अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास फाइव, सब्जेक्ट साइंस, लेक्चर नंबर एट। आई होप यू ऑल आर फाइन। टुडेज़ आवर टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एंड वाटर साइकिल। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम वेयर कंडीशंस आर कंडसिव फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। हाँ, अर्थ जो है वो ओनली प्लैनेट है सोलर सिस्टम का जिसकी कंडीशन जो हैं वो सूटेबल हैं लाइफ के लिए। द एयर, वाटर, सॉइल, लाइट एंड सूटेबल टेम्परेचर ऑन द अर्थ प्रोवाइड बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर द लिविंग एनवायरनमेंट। एयर, वाटर, सॉइल, लाइट और सूटेबल जो टेम्परेचर है अर्थ का वो रिक्वायरमेंट होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लिविंग एनवायरनमेंट की। तो ये तमाम चीज़ें अर्थ पर मौजूद हैं जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ है। द ग्रोथ ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स ऑन द अर्थ इज़ पॉसिबल ड्यू टू देम। तो ग्रोथ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की अर्थ पर है वो इसी वजह से है कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो सूटेबल है। डू यू नो द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज़ 12,800 किलोमीटर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज़ 150 मिलियन किलोमीटर। जो डायमीटर है अर्थ का वो 12,800 किलोमीटर है और डिस्टेंस जो है सन से लेकर यहाँ तक वो अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर है। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ कैसे फाइंड कर सकते हैं। हम एक एक्टिविटी करते हैं, हम क्या करेंगे, एक बॉइल्ड एग लेंगे। टेक अ हार्ड बॉइल्ड एग, कट इट इनटू अ टू इक्वल पार्ट विद द हेल्प ऑफ नाइफ। हम और उसको दो हिस्सों में कट कर लेंगे। ऑब्जर्व क्लोजली द इनर पार्ट ऑफ द एग। उसके बाद आप इनर पार्ट को अच्छे तरीके से देखें, आपको कितनी लेयर्स नज़र आती हैं। विच इज़ द थिनेस्ट लेयर एंड वेयर इज इट लोकेटेड। सबसे थिन लेयर, सबसे बारीक वाली लेयर कौन सी है और कहाँ पर है। विच पार्ट ऑफ द एग इज़ बिगेस्ट, और सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है एग का। वट इज़ देयर इन द मिडल ऑफ द एग। अब मिडल ऑफ द एग में क्या है, ये तमाम चीज़ें आपने देखनी है। तो यू हैव ऑब्जर्व डैट देयर आर थ्री लेयर्स विद इन अ एग। तो आपको तीन लेयर्स नज़र आएंगी। द आउटर मोस्ट थिन लेयर इज इट्स राइंड। जो राइंड है वो आउटर मोस्ट लेयर है। राइंड क्या होता है, एक नेचुरल लेयर होती है फूड के ऊपर। देयर इज़ अ योक इन द मिडल ऑफ द एग। मिडल में क्या है, योक है। एंड इन बिटवीन द टू लेयर इज इट वाइट लेयर। अब दोनों लेयर्स के दरमियान एक वाइट लेयर है। अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिस्ट द पार्ट्स ऑफ एन एग रिजेंबल एग्जैक्टली द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ आज शोन इन द फिगर। द राइंड ऑफ द एग इज लाइक क्रस्ट, वाइट पार्ट इज लाइक मेंटल एंड द योक इज लाइक कोर ऑफ द अर्थ। जो जोलॉजिस्ट है उनके मुताबिक जो एग है वो रिजेंबल करता है इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के। आप दोनों पिक्चर्स में देख सकते हैं। उन्होंने कहा जो राइंड ऑफ द एग है वो क्रस्ट की तरह का है और वाइट पार्ट है पार्ट जो है वो मेंटल की तरह, और जो योक है वो कोर है। फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, क्रस्ट। द आउटर शेल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट। इट इज दैट पार्ट ऑन द अर्थ ऑन विच वी लिव। आउटर जो शेल है अर्थ का उसे क्रस्ट बोला जाता है। ये वो पार्ट है जहाँ पर जिंदगी मौजूद है। दिस पार्ट कंटेन्स लुफ्टी माउंटेन्स, डीप ओशंस, रिवर, डेजर्ट्स, ग्रीन फील्ड्स, रूरल एंड अर्बन ड्विलिंग्स। यहाँ पे बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, डीप ओशंस हैं, समंदर हैं, दरिया, सहरा, ग्रीन फील्ड्स हैं, और इसके अलावा गाँव और शहर में रहने वाले जगह हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सॉलिड मैटर। ये क्या है, सॉलिड मैटर से बना है। द एवरेज थिकनेस ऑफ द क्रस्ट इज अबाउट 5 किलोमीटर टू 70 किलोमीटर। जो एवरेज थिकनेस है क्रस्ट की वो अबाउट 5 किलोमीटर से 70 किलोमीटर है। इवन बिनीथ द ओशन इट्स थिकनेस इज अबाउट 5 किलोमीटर। और समंदर के नीचे देखें तो इसकी थिकनेस जो है वो अबाउट 5 किलोमीटर है। सेकेंड वन इज मेंटल। द लेयर ऑफ द अर्थ अंडर द क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल। अब क्रस्ट की जो बाद वाली जो लेयर है, नीचे जो लेयर आ रही है उसको मेंटल बोला जाता है। दिस इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ा पार्ट है। इट्स थिकनेस इज अबाउट 3,900 किलोमीटर। इसकी थिकनेस तकरीबन 3,900 किलोमीटर है। दिस पार्ट इज एक्सट्रीमली हॉट, बहुत गर्म है, एंड हैवीली थिक फ्लूड लाइक हनी। जो ये पार्ट है वो काफ़ी गर्म होता है और इसमें फ्लूड जो होता है, थिक फ्लूड, जैसे हनी है ना, लाइक वैसा फ्लूड मौजूद होता है। दिस कम्स आउट ऑफ द अर्थ सर्फेस इन द फॉर्म ऑफ लावा ड्यूरिंग वोल्केनो इरप्शन। अच्छा, ये जो फ्लूड है जब वोल्केनिक इरप्शन होती है तो एज इन द फॉर्म ऑफ लावा वो बाहर निकलती है।
कोर। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द कोर। जो सेंट्रल पार्ट है उसे कोर बोला जाता है। इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। इट्स टेम्परेचर इज अबाउट 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे गर्म पार्ट जो है अर्थ का वो ये है, इसका टेम्परेचर करीबन 5000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कोर के दो पार्ट्स होते हैं, इंटरनल कोर एंड एक्सटर्नल कोर। ओइंग टू एक्सट्रीम प्रेशर इंटरनल कोर इज ऑलमोस्ट सॉलिड, वेयर एज एक्सटर्नल कोर इज इन द फॉर्म ऑफ थिक ब्लैक मॉल्टन फ्लूड विच कंटेन एलिमेंट्स लाइक आयरन एंड निकल। बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से जो इंटरनल कोर है वो सॉलिड है, वेयर एज जो जबकि जो एक्सटर्नल है वो एक ब्लैक फ्लूड मॉल्टन फ्लूड बहने वाला फ्लूड की फॉर्म में है, जिसके अंदर जो है वो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जैसे कि आयरन और निकल वगैरह। यहाँ पिक्चर में आपको तीनों पार्ट्स नज़र आ रहे होंगे। फर्स्ट पार्ट जो देखें आप क्रस्ट, सेकेंड इज मेंटल एंड थर्ड वन इज एक्सटर्नल कोर एंड लास्ट वन इज इंटरनल कोर। Do you know the soil on the earth's surface is formed by a very slow process of rock weathering? It takes about 1000 years to make only a 5 centimeter thick layer of soil. जो soil की surface है वो बहुत slow process से बनती है, जिसकी rock weathering के मतलब कि rock के ऊपर weathering का जो effect होता है उससे हमारी soil बनती है, और एक तकरीबन 1000 years लग जाते हैं सिर्फ 5 centimeter thick layer of soil बनाने में। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, ऑल दो द वॉल्यूम ऑफ इंटरनल कोर ऑफ द अर्थ इज 16% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, बट इट्स वेट इज 33% ऑफ द टोटल वेट ऑफ द अर्थ। इट्स मीन्स दैट द इंटरनल कोर इज मेड ऑफ वेरी हैवी मटीरियल। जो इंटरनल कोड है कोर है वो 16% है वॉल्यूम ना, टोटल वॉल्यूम का 16% है, लेकिन उसका वेट जो है वो 33% है टोटल वेट ऑफ द अर्थ के। इसका मतलब है कि जो इंटरनल कोर है वो काफ़ी हैवी मटेरियल से मिलकर बना है। सेकंड जो है वो हम पढ़ने लगे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर इज़ अ प्रीशियस गिफ्ट फॉर नेचर ऑफ नेचर। अल्लाह ताला की तरफ से बहुत कीमती तोहफा है ये हमारे लिए। वी कैन नॉट थिंक ऑफ लाइफ ऑन अर्थ विदाउट इट। जिंदगी का तस्वुर ही नहीं किया जा सकता अर्थ पे वाटर के बगैर। द 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। 71% जो है अर्थ सरफेस वो वाटर से मिलकर बनी है। अबाउट 2% ऑफ द अर्थ इज फ्रोजन इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स। जो 2% जो है वो फ्रोजन फॉर्म में है ग्लेशियर्स में। अबाउट 97% इज द सॉल्टेड वाटर इन द ओशन। 97% सॉल्टेड वाटर है ओशंस में। इट इज़ नॉट ड्रिंकेबल, पीने के लायक नहीं है। क्यों पीने के लायक नहीं है? क्योंकि सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, और अगर हम ये पानी पियेंगे तो हमारी जो बॉडी का ज़्यादा सॉल्ट पीने की वजह से हम बीमार भी हो सकते हैं, इवन डेथ भी हो जाती है। द फ्रेश वाटर अवेलेबल टू मैनकाइंड इज़ अबाउट 1%, और जो फ्रेश वाटर है सिर्फ 1% अवेलेबल है मैनकाइंड के लिए। देर इज़ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इट इज़ एसेंशियल डैट वी डू नॉट वेस्ट वाटर। अब फ्रेश वाटर बहुत कम अवेलेबल है ना हमारे पास, यही वजह है कि शॉर्टेज हो जाती है पानी की। बहुत से वर्ल्ड के पार्ट्स हैं जहाँ पर पानी की अभी भी कमी है, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम पानी को ज़्यादा वेस्ट ना करें। सोर्सेज ऑफ वाटर, अब वाटर के कौन कौन से सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से वाटर आता है। द अर्थ ऑन द वाटर ऑन द अर्थ इज़ फाउंड इन ऑल द 3 स्टेट्स। हमें पता है कि अर्थ में वाटर 3 स्टेट्स में मौजूद है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैस में। मतलब कि अगर सॉलिड देखें तो आइस, लिक्विड देखें तो हमारे पास जो पानी फॉर्म है, एंड गैस इज अ वेपर्स। द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर्स आर ग्लेशियर्स, रेन, लेक्स, स्प्रिंग्स एंड अंडरग्राउंड वाटर। जो सोर्स है फ्रेश वाटर का वो ग्लेशियर्स हैं, बारिश, स्प्रिंग्स जो लेक्स वगैरह हैं, एंड अंडरग्राउंड वाटर है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, द रेन वाटर विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय ग्राउंड पासिस थ्रू मैनी लेयर्स ऑफ द अर्थ एंड बिकम्स अ पार्ट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। इट इज़ फिल्टर्ड बाय वेरियस लेयर्स एंड बिकम्स क्लीन ड्रिंकेबल वाटर। जो रेन वाटर है वो ग्राउंड में एब्जॉर्ब हो जाता है, और वो डिफरेंट जो लेयर्स हैं अर्थ से वहाँ से पास करता जाता है, और फिर वो अंडरग्राउंड वाटर का पार्ट बन जाता है। क्योंकि ये बहुत सी लेयर से गुजरता है तो जितने भी इसके अंदर कंटेमिनेशन होती है वो रिमूव हो जाती है, यही वजह है कि वो ड्रिंकेबल हो जाता है, हम पानी उस पानी को पी सकते हैं। वाटर साइकिल, द रिवर्स आर फिल्ड अप विद वाटर फ्रॉम रेन्स एंड मेल्टिंग ऑफ आइस एंड ग्लेशियर्स इन द माउंटेन्स एवरी ईयर इन द समर सीजन। दिस वाटर फाइनली फॉल्स इन टू द ओशन।
क्या होता है कि जब समर सीज़न में जो माउंटेन्स एंड पर जो आइस वगैरह होती है और ग्लेशियर्स हैं वो जब मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं तो रिवर्स में पानी भर जाता है और पानी जो है वो सारा का सारा ओशन में चला जाता है. हैव यू एवर थॉट डैट इन दिस वे द ओशन शुड बी ओवरफिल्ड बट दिस डज नॉट हैपन. कभी आपने सोचा किस तरीके से तो समंदरों को ओवरफिल्ड होना चाहिए लेकिन ऐसा कभी नहीं होता. इसके रीज़न बढ़ते हैं हम. वाटर अंडरगोज इन अ बिग साइक्लिकल प्रोसेस कॉल्ड द वाटर साइकिल. द वार्मथ ऑफ द सन वेपोरेट्स वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज टू फॉर्म क्लाउड्स. द क्लाउड्स रिलीज वाटर एज रेन और स्नो. द रेन वाटर अगेन फ्लोज थ्रू द लेक्स स्ट्रीम्स एंड रिवर्स एंड फाइनली टू द सी. सम वाटर ऑफ द रेन इज अब्जॉर्ब बाय लैंड एंड बिकम पार्ट ऑफ द अंडरग्राउंड वाटर. एक बहुत बड़ा प्रोसेस जो है साइक्लिकल प्रोसेस वाटर साइकिल जिसको बोलते हैं ये जिसकी वजह से वाटर का जो अमाउंट है वो सेम रहता है. क्या होता है सन जो है सन की हीट की वजह से पानी वेपोरेट होना शुरू होता है वाटर बॉडी से जैसे कि रिवर्स स्प्रिंग्स एंड लेक्स वगैरह से और वो फिर क्लाउड्स की फॉर्म में चेंज होता है और क्लाउड्स जो हैं वो दोबारा इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो पानी को ज़मीन पर दोबारा भेजते हैं और वो जो पानी है वो दोबारा लेक स्ट्रीम्स एंड रिवर्स में चला जाता है और फिर आखिर में फाइनली वो इकट्ठा होकर सीज और ओशंस में चला जाता है. सम वाटर जो है वो क्या होता है कि वो लैंड एब्जॉर्ब कर लेती है और वो फिर इस तरीके से अंडरग्राउंड वाटर का पार्ट बन जाता है. द प्रोसेस रिपीट्स अगेन एंड अगेन. दिस इज़ हाउ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ डज नॉट चेंज. ये प्रोसेस मुसलसल होता रहता है. यही वजह है कि पानी की जो टोटल अमाउंट है अर्थ पर वो चेंज नहीं होता. यहाँ पिक्चर में देखेंगे क्या होगा. सबसे पहले वेपोरेशन हुई वो क्लाउड्स में चेंज हुआ. क्लाउड्स ने में क्या हुआ उसके बाद रेन और स्नो की फॉर्म में पानी दोबारा वापस अर्थ पर आ गया. एंड दिस इज योर होमवर्क. सबसे पहले ब्लैंक्स हैं. द डायमीटर ऑफद अर्थ इज डायमीटर अर्थ का कितना है 12,800 किलोमीटर. द आउटर शेल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट. जो आउटर शेल है अर्थ का उसे क्रस्ट बोला जाता है. कोर कंटेन एलिमेंट्स लाइक डैश एंड डैश. कोर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं आयरन एंड निकल. द डैश परसेंट ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड बाय वाटर. कितने परसेंट अर्थ की कवर्ड है वाटर से 71%. वाटर अंडरगो इन अ बिग साइक्लिकल प्रोसेस कॉल्ड द वाटर साइकिल. क्वेश्चन नंबर टू. व्हाट इज़ द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड. व्हाट इज इट्स इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ. आउटर लेयर क्या कहा जाता है और इसके इम्पॉर्टेंट क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारी जिंदगियों के लिए ना. क्रस्ट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द अर्थ. क्रस्ट जो आउटर मोस्ट कवरिंग है इट इज़ मेड अप ऑफ सॉइल. सॉइल से मिलकर बनी है. इट सपोर्ट्स द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स वेजिटेशन एंड प्लांट विच आर एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ जस्ट लाइक एयर एंड वाटर. सॉइल से मिलकर बनी है और यहाँ पर ग्रोथ जो है वो क्रॉप्स वगैरह की वेजिटेशन एंड प्लांट्स मौजूद हैं जो इंसानों की जानवरों की और लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी है. एयर है यहाँ वाटर है जिसकी वजह से यहाँ लाइफ पॉसिबल हुई है. अगला जो है हमारे पास क्वेश्चन. व्हाट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस कंसिस्ट ऑफ ओशन एंड व्हाई कैन वी नॉट ड्रिंक सी वाटर. कितना पार्ट है अर्थ सरफेस का ओशन से है बना हुआ और क्यों हम जो सी वाटर नहीं पी सकते. 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. 71% जो है वो वाटर से कवर है. अबाउट 2% ऑफ द वाटर इज फ्रोजन इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर और जो 2% है वो फ्रोजन फॉर्म में है. ठीक है. अबाउट 97% इन द सॉल्टेड वाटर इन द ओशन. और तकरीबन 97% जो है वो वाटर मौजूद है सॉल्टेड वाटर ओशंस में. इट इज़ नॉट ड्रिंकेबल बिकॉज ऑफ हाई क्वान्टिटी ऑफ सॉल्ट. ये पीने के लायक नहीं है. क्यों नहीं है क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और अगर हम वो पानी पियेंगे तो हमारा जो आयोनिक बैलेंस है हमारी बॉडी का वो ख़राब हो जाएगा. थर्ड पार्ट जो है वेयर इज़ द वाटर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस. कहाँ पे पानी तीनों फॉर्म में मौजूद है. द अर्थ द वाटर ऑन द अर्थ इज़ फाउंड इन ऑल द थ्री स्टेट्स सॉलिड लिक्विड एंड गैस. जो पानी है अर्थ पर वो तीनों फॉर्म में मौजूद है तीनों स्टेट्स में मौजूद है सॉलिड लिक्विड एंड गैस में. अब ये तमाम काम अपनी नीट कॉपीज पे नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में करना है. खुदा हाफिज़. स्टे होम स्टे ब्लेस्ड.